Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome back to my channel Ranjita's Unique World. हमारी फेस पे जो आईब्रोज होती है, जो हमारी आंखें होती है, ये दोनों ही चीज़ें हमारी फेस को अलग सा एक लुक देती है। अगर आपकी आईब्रोज डार्क है, थीक है और आपके आईलेशेस भी लॉन्ग है तो आपकी फेस पे जो ओवरऑल लुक्स है बहुत ही ज़्यादा उभर के आती है। और अगर आपकी आईलेशेस और आईब्रो बहुत ज़्यादा पतले है तो क्या होता है ना, फेस बिल्कुल ही डल दिखता है। इसके लिए हमें खुद से आईब्रो बनाना पड़ता है, टेम्प्रोरी आईलेशेस लगाना पड़ता है। तो इसके लिए आज मैं जो होममेड रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे अगर आप अप्लाई करोगे, इसे आप रेगुलर यूज़ करोगे तो कुछ ही दिनों में आपकी जो आईलेशेस है, आईब्रो है, उसकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी और आपका लुक्स भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। तो इसके लिए हमें क्या लेना है यहाँ पे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आलमोंड। आलमोंड बहुत ही अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो आलमोंड को आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कैंडल जला के इसे पूरी तरह से बर्न कर लेना है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो आपको आलमोंड को ऐसे पूरी तरह से जला लेना है। तो मैंने यहाँ पे दो आलमोंड लिया था, तो दोनों को ही मैंने अच्छी तरह से जला लिया था। पूरी तरह से जलाना है ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए, मतलब जब हम इसे जलाने के बाद इसको पीसेंगे, तो जलाने के बाद आपको इसे पीस लेना है और पाउडर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पीस लिया है और इसका जो पाउडर फॉर्म है यहाँ पे हमने एक बॉल में ऐड ढाल दिया है। ढालने के बाद जो फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी जो आईब्रोज होती है या जो आईलेशेस होती है उसको मॉइस्चराइज करेगी। सेकेंड चीज़ तो हमने यहाँ पे लिया है, वो लिया है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यहाँ पे लिया है, कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा होता है हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए और आईब्रोज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। ये आपकी डेंसिटी को, आईब्रोज़ की जो हेयर ग्रोथ है उसकी डेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। साथ ही साथ अगर आपके स्प्लिट हो रहे हैं हेयर बीच बीच में आईब्रोज़ की, वो भी नहीं होगी। सेकेंड चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिया था वो है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल में बहुत ज़्यादा विटामिन पाया जाता है और ये भी हमारे हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है। साथ ही साथ अगर आपको आईब्रोज़ में कोई डैंड्रफ रिलेटेड इशू है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, वो भी नहीं होगी। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को, और फिर आपको क्या करना है, एक एयरटाइट कंटेनर में इसको भर के रख देना है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको लगाना है तो आप इसके लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसे थोड़ी टाइम रखिए, फिर आप जेंटली इसको वॉश कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बना लिया था और फिर मैंने यहाँ पे आपको लगा के मैं दिखा रही हूँ कितनी अच्छे से। देखिए, डार्क हो रही है आपकी आईब्रोज़। और एक ब्रश लेना है, जो मस्कारा ब्रश होता है उसे लेके ये जो हमने अभी बनाया है इसको डीप करते हुए अपने आईलेशेस पे लगाना है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।